साथियों जोहार। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले स्थित गुदड़ी प्रखंड के गुलीकेरा गांव में 7 लोगों की हुई हत्या के बाद इस मसले को पत्थलगड़ी आंदोलन के साथ जोड़ दिया गया था। और जैसे ही यह मसला पत्थलगड़ी आंदोलन के साथ जुड़ा, यह एक राष्ट्रीय खबर बन गया था। और इस मसले को राजनीतिक दल, खासकर झारखंड में जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, उसने एक पॉलिटिकल टूल के रूप में लेते हुए मौजूदा सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही पुलिस के तरफ से स्टेटमेंट आया कि इस मसले का पत्थलगड़ी से कोई लेना देना नहीं है, यह मसला स्वतः ही गायब हो गया, अचानक से गायब हो गया। पुलिस ने कहा कि यह आपसी रंजिश का मसला था और जो अपराधी थे या जिनको कहा जाए जिन्होंने हत्या की, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन चूंकि इस मसले पर कई साथियों ने सवाल पूछा है कि हम लोगों को यह मसला, इसके बारे में कैसे जानकारी हासिल हुआ, या फिर इस मसला की हकीकत कुछ और है, क्या हकीकत है, तो इसीलिए मैं आज इस मसले पर आप लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर बुरु गुलिकेरा का जो कांड, हत्या का कांड हुआ है, इसको समझना है तो थोड़ा पीछे जाना होगा। यह घटना अचानक से नहीं घटी। इस घटना के पीछे एक बड़ा इतिहास है। मेरा यह किताब है मिशन सरंडा। इसको मैंने 2015 में प्रकाशित किया। इस किताब में गुदड़ी प्रखंड के मसले को लेकर, खासकर वहां की हिंसा को लेकर एक जो है कि इसमें चैप्टर है। उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरी तस्वीर जो है स्पष्ट होती है कि वहां इस तरह की घटना जो हुई है वो क्यों हुई है। गुदड़ी प्रखंड पहले सुनवा प्रखंड के तहत आता था और यह पूरा इलाका जो है वो भयानक नक्सल प्रभावित माना जाता है। और 2010 से 15 के बीच में वहां पे बहुत ज्यादा हिंसा हुई। वहां दो तरह का जो है कि नक्सली संगठन आज भी मौजूद है, लेकिन वहां सबसे पहले जो नक्सली संगठन का उदय हुआ वो था एनसीसी, जो बाद में सीपीएम माओइस्ट बना। तो जब माओवादी उस इलाके में आए तो उनका जो है कि पूरा इलाका बहुत बड़ा जो है कि गढ़ बन गया। लेकिन हुआ क्या, जब माओवादी वो पूरे इलाके को अपना ग्रिप में ले लिए, तब उन्होंने वहां पर आदिवासियों के साथ ही जो है कि अत्याचार करना शुरू कर दिया। जैसे वहां के जो माओवादी के बड़े लीडर रहे, प्रसाद जी बोलते थे उनको, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि वो दो आदिवासी लड़कियों को लेकर रहते थे, मतलब वो रखेल जैसे रखते थे। लोग डर से बोलते नहीं थे, उनका नाम वगैरह सब कुछ है इस किताब में। और ये एक मसला था, लेकिन इसी तरह का माओवादी लोग जो है कि अत्याचार करना शुरू कर दिए, जो उनको सपोर्ट नहीं करते थे
उनको मारना पीटना हत्या तक उन्होंने किया। तब इससे जब तंग आ गए तब कुछ लोगों ने संगठन छोड़ा, माओवादी संगठन छोड़ के वो लोग जो है PLFI, चूंकि PLFI उस समय में पुलिस का ही बनाया हुआ संगठन था, और पुलिस ने क्यों बनाया, वो माओवादियों को खत्म करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए एक जो है कि इस तरह से संगठन खड़ा किया। तो जाहिर सी बात है जब वहां पे PLFI खड़ा हुआ तो उनका सपोर्ट जो है कि आसैनिक बल और जो है कि स्थानीय पुलिस उनको किए। अब उनके सपोर्ट से धीरे 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 जो है वर्चस्व की लड़ाई जो है कि दोनों संगठन CPM माओइस्ट और PLFI के बीच हुआ, और इतना ज्यादा खूनी संघर्ष हुआ कि जो माओवादी थे या उनके समर्थक थे उनको पूरा इलाका में जो है कि चुन चुन के PLFI वालों ने मारा। और इसी बीच ऐसा हो गया कि 2015 में तो यह भी हालत हो गई कि दोनों संगठनों ने उन इलाके के सारे गांव से 10-10 लोगों को अपने संगठन के लिए मांग किया, युवाओं को। तो पूरा इलाका में इतना भयभीत हो गए लोग कि युवाओं को वहां से घरों से गांव से बाहर भेजना शुरू किए, छोटे छोटे घरों में रेंट लेके छोटे छोटे टाउन, जैसे सुनवा टाउन हो गया, गोइलकेरा हो गया, इधर बंदगांव, खूंटी, मनोहरपुर, ऐसे जगह पे लोग डेरा ले लेके जो है कि खुद को जिंदा बचाने के लिए रहना शुरू किए। लड़कियां अलग अलग घरों में नहीं सोती थी, कोई एक घर में सारे लड़कियां एक गांव की एक घर में सोते थे, ऐसा हालत जो है कि इन्होंने पैदा कर दिया था। और उस समय में वहां के मानकी जो है DC और SP दोनों को उन्होंने चिट्ठी लिखा, 3 बार उन्होंने पत्र लिखा वहां पर CRPF कैंप स्टैब्लिश करने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि CPM माओइस्ट और जो है कि PLFI वालों ने क्या दहशत वहां पर पैदा कर दिया था, और बहुत लोगों को मारा पीटा। और बाद में जब CPM माओइस्ट वहां से बहुत कमजोर हो गया और PLFI का जो है कि एक तरफा वहां पर सब हुकूमत चलने लगा, और उनको जो है कि जाहिर सी बात है जब पुलिस का सपोर्ट था, CRPF कायम का सपोर्ट था उस इलाके का, तब तो वो एक तरह से खुला सांड बन गए। और जब ये खुला सांड बन गए तो इन्होंने खुद ही गांव में अत्याचार करना शुरू कर दिया। जो लोग थोड़ा अच्छे परिवार से थे या कुछ नौकरी करते थे, ऐसे ऐसे लोगों से ज्यादा लेवी मांगना शुरू किया। एक व्यक्ति है ब्रुलुनिया गांव का प्रकाश लुगुन, उनसे उन्होंने 2 लाख रुपया लेवी मांगा और यह धमकी दिया कि लेवी आप नहीं दिए तो आपको जो है कि हम लोग जान से मार देंगे। और ऐसे ही करते करते इनका अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया PLFI वालों का कि गांव में गुंडागर्दी करना, किसी से खस्सी लेना, किसी का मुर्गा ले लेना, अनाज लेना, रंगबाजी करना, यहाँ तक कि गांव की अच्छी अच्छी लड़कियों का बलात्कार करना, और डरा डरा के कि कोई भी पुलिस को सूचना दिया तो जान मार देंगे। तो लोग डरते थे, ऐसे ही करके जो मन मर्जी वो लोग करते थे। उसके साथ साथ ये लोग जो है कि मानव तस्करी में भी जुड़ गए। उस इलाके की लड़कियों को दिल्ली और मुंबई भेजते थे, और जो भी सवाल उठाता था उसको जान मारने की धमकी देते थे, मारते पीटते थे, अत्याचार करते थे, तो कोई हिम्मत नहीं करता था। अब पिछले साल क्या हुआ, अक्टूबर से दिसंबर तक उन्होंने कई घरों में तोड़फोड़ किया, लूट मार किया, और दिसंबर में एक व्यक्ति की हत्या की। क्योंकि ये जब 7 लोगों की हत्या हुई तब भी कई लोग सवाल उठा रहे थे कि इन्होंने क्यों पुलिस से संपर्क नहीं किया, पुलिस को क्यों सूचना नहीं दिया। तो ये जो दिसंबर वाली घटना जो हुई थी, एक व्यक्ति की हत्या हुई, तो इन लोगों ने पुलिस को सूचना दिया, वहां पे मामला दर्ज कराया, लेकिन
क्योंकि पीएलएफआई वालों ने हत्या किया था जिसको पुलिस का समर्थन है, तो स्थानीय पुलिस ने उस मसले पर कोई कार्रवाई नहीं किया, तो लोगों का भरोसा पुलिस से उठ गया है कि ये जो भी अत्याचार करेंगे इनके खिलाफ अगर कोई हम कार्रवाई करते हैं, पुलिस के यहाँ कंप्लेन दर्ज करते हैं, तो पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और जब इनको पता चलेगा तो उल्टा जो है कि ये लोग आके हत्या करेंगे। तो ये डर जो है कि गांव वालों के मन में भरा हुआ था। अब इसी बीच जो है अभी जनवरी में, 16 जनवरी में इन लोगों ने 4 घरों में तोड़फोड़ किया, वहां जाए कि लूटपाट किया, और इसके साथ साथ 2 लोगों का अपहरण कर लिया था। ये पीएलएफआई के जो 9 लोग जिसमें से 7 लोग मारे गए, यही लोग। और इसी मसले को लेकर जो खासकर तोड़फोड़ तो नहीं लेकिन अपहरण करने वाला मसला को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई थी 19 जनवरी रविवार के दिन में। अब ग्राम सभा जो आयोजित की गई तो इनको बुलाया गया, गांव के सारे लोग बैठे थे। अब जब इनसे पूछताछ किया गया कि इन्होंने जिनका अपहरण किया है उसको कहाँ रखा है, वो लोग कहाँ है, उनको जवाब मांगा गया, सवाल जवाब किया गया, तो ये लोग जो है कि अपना दमबंगई दिखाना शुरू किया, उल्टा ही जो है कि ग्राम सभा में गांव वालों को धमकी देना शुरू किया कि हम लोगों के पास हथियार रखा हुआ है घरों में, हम लोग अभी लेके आएंगे और पूरे गांव वालों को जो उड़ा देंगे। और उसमें से 2 लोग मीटिंग में से दौड़ कर जो है कि चले गए, वो ये कहते हुए कि हम लोग हथियार लाने के लिए जा रहे हैं। तो ग्राम सभा में जो है कि दहशत फैल गया कि ये लोग हथियार लेके आएंगे, सबको मारेंगे, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। और बाद में बाकी और 7 लोग थे वो भी जो है कि उठ के भागने लगे, वो ये कहते हुए कि हम लोग अभी हथियार लेके आएंगे और सब लोग को जो है कि उड़ा देंगे। तो गांव वालों में जो दहशत पैदा हो गया कि आप तो ये लोग लेके आएंगे हथियार, तो हम सारे लोगों को मारेंगे, यहाँ लाशों का जो है कि ढेर लग जाएगा। तो गांव वालों का डर जो था, डर अचानक शक्ति में बदल गया। उनको लगा कि अब तो हमारे पास जीने मरने का अलावा कोई रास्ता नहीं है, या तो हम उनको पकड़ के मारे नहीं तो मार ही देंगे हम लोगों को। और इसी वजह से जो है कि लोगों ने इनको पकड़ा, 7 लोगों को पकड़ लिया, उनको मारा पीटा। जब पकड़ लिया तो बाकी 2 लोग पहले निकले थे वो भी वापस नहीं आए, शायद वो डर गए। लेकिन इसी बीच जो वहां से सूचना मिल रही है उसके अनुसार कि गांव वालों ने जरूर मारा पीटा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं माओवादी जो पीएलएफआई से जिनको बहुत ज्यादा डैमेज किया गया था, उन लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो संभवतः वो लोग आए और उन्होंने इनको गांव पकड़ के जंगल ले गए, बांध के और उनका गला रेत दिया। इसमें सच्चाई भी हो सकता है कि माओवादियों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि इतना ज्यादा उनको पीएलएफआई ने डैमेज किया हुआ था और पूरा एरिया में जो है कि पूरा गांव, न सिर्फ उस गांव में, उस इलाके में पीएलएफआई का जो है कि अपने एक तरफा शासन टाइप का चल रहा था। और ये जब हत्या को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें निश्चित रूप से माओवादियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि गांव वाले अगर किसी व्यक्ति को मारेंगे पीटेंगे तो मारते पीटते ज्यादा चोट लगने की वजह से आदमी मर जा सकता है, या गांव वाले पीट पीट के हत्या भी कर दे सकते हैं गुस्सा में, लेकिन गला काटना ये ऐसा देखा नहीं गया है अमूमन। गांव में बहुत सारे घटनाएं होते हैं, डैन वगैरह का बहुत सारा मसला आता है, लेकिन लोग गला नहीं काटते हैं। लेकिन गला काटने का हमने कम से कम पिछला 10 साल का अनुभव में देखा है, मानव अधिकार पर काम करते हुए माओवादी अक्सर गला काटते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने पीएलएफआई से बदला लेने के लिए
इनका गला रेत दिया होगा। अब इस यह मसला जो है कि हम ये नहीं कह रहे कि इसमें निश्चित रूप से माओवादी इन्वॉल्व हैं, लेकिन घटनाक्रम बता रहे हैं, घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं इसमें आखिरी दौर में माओवादियों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ता है। तो मोटा मोटी मैं बताना चाहता था कि सच्चाई क्या है, क्या आखिर हुआ था, क्यों अचानक जो है कि ग्राम सभा में बैठे हुए लोग हिंसक हो गए और हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ये स्पष्ट है, जब उस जीने मरने का सवाल आ जाएगा, जब वो लोग पीएलएफआई वाले हथियार लाने के लिए चले गए ये कहते हुए कि आप सारे लोगों को उड़ा देंगे, तो गांव वालों के पास कोई चीज बचता नहीं था। वो इसलिए ग्राम सभा बुलाए थे कि इन लोगों को समझाया बुझाया जाए ताकि ये लोग गांव में अत्याचार ना करें और जिनका अपहरण उन्होंने किया था उनको जो है कि छोड़ दे। अब साथियों, ये वाला मसला जो है इसको पॉलिटिकल इशू इसलिए बना दिया गया था, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, चूंकि भाजपा बुरी तरह से हारी है पिछला विधानसभा चुनाव, जिसको वो पचा नहीं पा रही है, और हेमंत सोरेन जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने पहला कैबिनेट में निर्णय लिया कि जो 11,200 आदिवासियों पर देशद्रोह का मुकदमा किया गया है उसको वापस लेंगे। तो इस फैसला को गलत साबित करने के लिए भाजपा अचानक से जो है सक्रिय हो गए थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो सच्चाई जाने बगैर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस मसले पर कूद गए थे। तो हमें ये दोनों सच्चाई, एक तो जो हत्या हुई इसको हम कह सकते हैं बुरुगुलिकेरा का किस सच्चाई, और दूसरा पथलगाड़ी को इससे जोड़ने का सच्चाई, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। इस मसले पर मैंने पिछले वीडियो में काफी कुछ कहा है, इसलिए इसमें ज्यादा हम ना कहते हुए बस आपके पास सच्चाई लाना चाहते थे। हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ निकल कर आएगा, और ऐसा आएगा तो हम आपको फिर से जरूर बताएंगे। और हमारा मकसद इतना ही है कि जो घटना घटी है बुरुगुलिकेरा में उसका सच्चाई लोगों तक आना चाहिए, जांच सही से निकलना चाहिए। और इसमें यह भी जांच का विषय है कि आखिर पत्थलगाड़ी को बार बार मीडिया और भाजपा वाले क्यों बदनाम करते हैं, इस पर भी जांच होना चाहिए। मैंने तो अपने तरीके से बताया कि ये लोग जो है कि क्यों बदनाम करना चाहते पत्थलगाड़ी को, क्यों पत्थलगाड़ी से लोग डरते हैं, लेकिन इससे भी गहराई से जांच होनी चाहिए और इसको सामने लाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।